नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी माइंडसेट सीरीज वीडियो नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। इसमें मैं जो डायरेक्ट इक्विटी में डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हैं उनके बारे में बात करूंगा और उसके माइंडसेट के बारे में बात करूंगा कि कैसा माइंडसेट आपका होना चाहिए या कैसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं कवर करूंगा इसमें कि कैसा माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए। अमूमन मैंने देखा है अपनी कंसल्टिंग में कि बहुत लोग जो करियर में स्टैग्नेट होने लगते हैं, करियर का चार्म कम होने लगता है, तब स्टॉक मार्केट की तरफ उनका आकर्षण बढ़ता है और वो अपना एक दो महीने का कुछ रिसर्च करके, खुद ही रिसर्च करके, वो स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट खोल के घुस जाते हैं। ज़्यादातर उनको गाइड करने वाले लोग उन्हीं की तरह जो करियर में स्टैग्नेट कर रहे हैं वही उनके रोल मॉडल्स बनते हैं और उसके बाद वो पैसा डालना शुरू करते हैं। कईयों को बिजनेस लक मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें लोगों ने इतना पैसा खोना देखा है मैंने, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। तो स्टॉक मार्केट बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है आपकी खोई हुई सेल्फ एस्टीम वापस लाने के लिए, क्योंकि यहाँ रोज हम्बल होना पड़ता है। तो अगर आप में से कोई ये कारण से स्टॉक मार्केट से जुड़ रहे हैं तो बिवेयर करिए, ये रॉन्ग माइंडसेट है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये टर्म्स जो मैं थोड़ी यूज़ करूँगा इनमें क्लैरिटी नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट से परे रहना चाहिए। एक टर्म है जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो किसी कंपनी का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, टर्न ओवर रेशियो, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग्स। अगर आपको ये ग्रीक लैटिन लग रहे हैं, आपको कैश फ्लो निकालना नहीं आता, डिस्काउंटेड कैश फ्लो करना नहीं आता, ये बेसिक मेथड्स आपको नहीं पता, तो आपको यहाँ डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग नहीं करनी है। आप ये सोचिए कि आप एक प्रोफेशन में, आप एक ट्रेनिंग लेके कुछ बने अपनी लाइफ में, अब ऐसा क्या हो गया कि ओवरनाइट आप एक महीना दो महीना किसी से पूछ के आप उस कंपनी खरीद सकते हैं। आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर हैं अलग अलग, जहाँ ये स्टॉक मार्केट रिकमेंडेशन दी जाती है और आप ही का वो सर्कल है, तो ये ऐसी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। यहाँ पे कोई पैसा नहीं बनने वाला, ये आप टाइम पास कर रहे हैं, ये डोपामाइन सेरोटोनिन और वो सब का खेल खेल रहे हैं, जो नशा करने में मज़ा आता है। तो घुसिए यहाँ पे, आपको ऐसा लगता है आप कंट्रोल में होंगे या हो जाएंगे या यू हैव फिगर्ड इट आउट, ऐसा नहीं होता है जी। इतना आसान खेल नहीं है कि आप नौकरी भी कर लेंगे, ट्रेडिंग भी कर लेंगे। बहुत लोगों को अपने ऑफिसेज में स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं होते हैं, कंपनीज में, पीएसयूज में, बहुत जगह अलाउड नहीं है, कॉरपोरेट में भी, हर जगह, और आप उसको पूरे टाइम उसी पे लगे हुए हो, आपको स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है। आप लोगों को एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है अपनी ज़िंदगी में, रिटर्न पर यूनिट स्ट्रेस। अगर मुझे 7% रिटर्न मिल रहा है और स्ट्रेस लेवल 1 यूनिट का है तो मेरा रिटर्न पर यूनिट स्ट्रेस हो गया 7। लेकिन मान लो आपको 12% रिटर्न मिल रहा है और उसमें आपने स्ट्रेस ले लिया 6 यूनिट, तो रिटर्न पर यूनिट स्ट्रेस तो 2 ही हो गया, तो वहाँ 7 मिल रहा था, सुकून की भी तो कोई टेंजिबल वैल्यू होगी। तो इन चीज़ों को, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को, ट्रेडिंग को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। बहुत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को मैं इन सब चीज़ों में घुसते देखता हूँ। फैशन सा हो गया है बात करने का कि ये कर खरीद लो, ऐसे खरीद लो, मैंने पैसे कमा लिया इतने तो मैं ऐसे कमा लेता हूँ। अभी पिछले लॉकडाउन में, कोविड के टाइम में 40 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं अलग अलग लोगों के। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी नॉलेज नहीं है, ये खून पसीने का पैसा बहाने का वो है, इससे अच्छा आप कुछ भी और कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में मैं इस वीडियो में नहीं टच करूँगा, उसको अगले में करूँगा, मैं डायरेक्ट इक्विटी की ही बात कर रहा हूँ। तो अब क्या हम कभी नहीं कर सकते, क्या हमें नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन माइंडसेट पहले सही कीजिए। जो ये रीजंस मैंने दिए, इन माइंडसेट से तो आपको नहीं आना है किसी भी हालत में। माइंडसेट होना चाहिए बड़ा जेन लाइक होना चाहिए, आपकी लाइफ में तड़प कम होनी चाहिए, ठहराव होना चाहिए। वॉरेन बफे को देखिए, जो स्टॉक मार्केट में अच्छे करते हैं, जो भी हमारे दिग्गज लोग हैं उनका चेहरा देखिए, नॉलेज चाहिए। बहुत लोग इसको लक्ष्मी का खेल ही समझते हैं कि लक्ष्मी जी हैं, आएंगे और बस हो जाएगा। मैं लोगों को बताना चाहूँगा जी, लक्ष्मी जी की अकेले कभी पूजा नहीं होती, गणेश जी और सरस्वती भी साथ में होते हैं और उनकी सिग्निफिकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए, विजडम एंड पेशेंस। तो ये तीनों का एलिमेंट आप में आप होना चाहिए। अगर नहीं है आप में, कोई बात नहीं, आप उस एलिमेंट को जगाइए, वो किसी गुरु या मेंटोर के थ्रू ही होगा,
ऐसा तो नहीं है कि ये आप अपने आप कर लेंगे। आप सबको ये समझना है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज नॉट अ ज्योग्राफी, सोशल साइंस, हिस्ट्री की खुद किताब खोली, पढ़ ली, समझ ली, एग्जाम दे के आ गए। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इतना आसान नहीं है। एंड इट इज नॉट अबाउट साइकिल चलाना है, स्कूटर चलाना है, कि साइकिल आती है, स्कूटर आता है, कोई मिला चला लिया। आप इसको सोचिए जहाज चलाने के बराबर है। जहाज जैसे पायलट चलाता है, तो पायलट ऐसे ही जहाज में जाके नहीं चलाता, वो पहले पढ़ाई करता है, उसके टेस्ट होते हैं, उसके मेडिकल होते हैं, फिर उसको लाइसेंस मिलता है जहाज उड़ाने का, परमिशन मिलती है, और फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, फिर जाके कहीं उसकी सिम्युलेटर ट्रेनिंग होती है। तो इसमें सिम्युलेटर ट्रेनिंग कीजिए, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ ट्राई कर सकते हैं, पर ट्रेडिंग तो किसी हालत में भी नहीं कीजिए, इन्वेस्टिंग ही कीजिए, थोड़ी थोड़ी कीजिए। एक वीडियो में पूरे तरीके नहीं बता सकता, तो अभी सिर्फ माइंडसेट को ही मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ टाइम पास करने के लिए, इमोशनल वैक्यूम को भरने के लिए, और किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या किसी के इन्फ्लुएंस में आके कि भाई ये शेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, मैंने खरीद लिए, फ़ायदा होगा, कोई अपनी अच्छी पूरी पिक्चर नहीं बताता। शेयर्स में अगर कोई आपके साथी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी में, आपकी कॉरपोरेट नौकरी में हैं, अलग अलग जगह हैं, वहाँ पे अगर लोग अच्छा कर रहे हैं, तो वो चक्की पीसिंग क्यों कर रहे हैं नौकरी की? नौकरी क्यों करने आते हैं? अगर इफ़ दे मेड सो मच मनी इन द स्टॉक मार्केट, देखो स्टॉक मार्केट में जो बंदा पैसा कमाएगा ना, अच्छा पैसा कमाएगा, जिसको पता है क्या काम करना है, वो तो नौकरी तो नहीं करेगा ना। फिर वो शांति से बैठ के अपना वही काम करेगा, उसी तरह के काम करेगा। जैसे मैंने जो पिछला वीडियो, मैं मानता हूँ कि जिस जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनने मेरे पिछले 3 वीडियो भी देखे होंगे। आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स या किसी की वेब सीरीज के हिसाब से लेके चलिए, अमेजोन की, और इसको शुरू से ही देखिए, तो उसका लिंक करेंगे। तो मैंने पिछले वाले में आपको ट्रेंड पकड़ना सिखाया था कि ट्रेंड क्या है, तो उसको थोड़ा रिकग्नाइज कीजिए, अपने आप को पहचानिए। स्टॉक मार्केट में एंड में यही कहूंगा, इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस टू डिस्कवर हु यू आर। या पहले अपने आप को डिस्कवर करिए कि आप खुद क्या हैं, तभी स्टॉक मार्केट में आइए। मैं किसी का मोरल लो करने के लिए नहीं हूँ, बहुत बढ़िया जगह है इन्वेस्ट करने की, बट उसका एक करेक्ट माइंडसेट होना चाहिए, जेन लाइक अप्रोच होनी चाहिए। सरस्वती जी एंड गणेश जी भी रिक्वायर्ड हैं यहाँ लक्ष्मी कमाने के लिए। अकेले लक्ष्मी के पीछे जहाँ भागेंगे, तो लक्ष्मी चंचल होती है जी, आपकी निकल जाएगी, और फिर आप किसी को बताएंगे भी नहीं कि 50,000 गए, 1,00,000 गए, 5,00,000 गए, वो बता भी नहीं पाएंगे। रियल एस्टेट में तो दुनिया को पता चल जाता है आपने क्या किया, कहाँ फंसे, यहाँ पता भी नहीं चलेगा, बहुत स्ट्रेस आएगा। जहाँ मैंने इसमें रिटर्न पर यूनिट स्ट्रेस का जो मैंने टच किया है, उसको दोबारा आप देख लीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो ठीक अच्छा लगे, तो अपने जो लाइक माइंडेड लोग हैं इस तरह, जो फंसे हुए हैं या आपको बोल रहे कि आ जाओ चलो करते हैं, उनको भी दिखाइएगा। कोई आदमी हो जो आपको बता सके कि आप इन्वेस्टमेंट करने लायक पहुंच गए हैं, नहीं पहुंच गए हैं, समबडी हैज टू टेल यू। सो इस बारे में अगर आपको कोई डाउट है, आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और एलेबोरेट करके बताऊंगा कि आप किस स्टेज पे हैं, मैं आपको बता दूंगा। आप 30 out of 100 हैं, 40 out of 100 हैं, क्या स्टेज है आपकी? मेरे हिसाब से लेट से 60 out of 100 इज वेयर यू कैन गो अहेड विद स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन टू द स्टॉक्स। तो मैं आपको 5 मिनट में बात करके आपको बता दूंगा जी आप 45 हैं, आप 65 हैं। तो अगर किसी को अपना पता करना है, तो मुझसे 5 मिनट बात कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था कि अगर किसी को मुझसे बेसिक डाउट्स हैं, बिकॉज मेरे को क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस मामले में, कि HRA का कैसे करना है, इनकम टैक्स रिबेट कैसे लेना है, होम लोन पे, अगर इस तरह की क्वेरीज हैं, जहाँ भी 5 से 6 मिनट में क्वेरी आंसर हो सकती है फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे, तो आई एम विलिंग टू हेल्प एवरीबडी फॉर फ्री। आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। छोटी ऐसी क्वेरीज के लिए कहीं आपको और जाने की ज़रूरत नहीं है। HRA 10% ऑफ बेसिक पे से कितना ज़्यादा है, इनकम टैक्स रिबेट कैसे मिलेगा, उसमें क्या प्रोसीजर्स हैं, इस तरह के बहुत लोगों को डाउट्स हैं। इनकम टैक्स रिबेट ऑन होम लोन, होम लोन का इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, स्विच कब करें ना करें, इस तरह की चीज़ें मैं कुछ वीडियोस तो बनाऊंगा आगे, लेकिन अगर अभी तक जो मेरे सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, उनको इस तरह के बहुत ही बेसिक डाउट्स हैं, तो आप प्लीज़ मेरे से पूछिए व्हाट्सएप पे। मैं डिस्क्रिप्शन में और अपने कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आंसर करने में थोड़ा टाइम लगा दूँ, इमीजिएटली आंसर ना हो पाए, बट डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेरी। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं ये चीज़। थैंक यू।